नाले के लेफ्ट साइड, नाले के राइट साइड दोनों साइडों पे सब ऑपरेशन जारी है। और ये फाइनली अल्लाह अकबर इमारत को मुनज़्ज़म कर दिया गया, देख सकते हैं आप धूल मिट्टी का तूफान। और ये 3 मंजिला इमारत थी जिसका ये बेसमेंट है, और ये बेसमेंट की छत को मुनज़्ज़म किया जा रहा है देख सकते हैं। और ये इमारत की अंदरूनी मंजिल बेसमेंट के नीचे के मनाजे देख सकते हैं, यहाँ पे पानी वगैरह भरा हुआ है। और ये इसकी दीवार वगैरह मुनज़्ज़म की जा रही है। तो यहाँ पे मैं मौजूद हूँ और ये बेसमेंट की छत जिसे मुनज़्ज़म कर दी गई बदरिया मशीनरी। और तो मुझे थोड़ा पीछे हटना होगा। ये बेसमेंट के मनाजिर जहाँ पे इस वक्त नाले का पानी भी आ चुका है और बेसमेंट की छत को मुनज़्ज़म किया जा चुका है यहाँ पे। देख सकते हैं सरिया कितना ज़्यादा इस इमारत में लगाया गया था, चाहे मजबूत इमारत तामीर की गई थी नाले से क्लोज आरसीसी की मजबूत इमारत जिसके बेसमेंट को इस वक्त मुनज़्ज़म किया जा रहा है। बेसमेंट के छत को मुनज़्ज़म किया जा चुका है और नीचे देख सकते पानी भरा हुआ है। की पक्की इमारत गुजर नाले का एंड पॉइंट जब मुनज़्ज़म किया जा रहा है बदरिया मशीनरी। इमारत का ऊपरी हिस्सा मुनज़्ज़म कर दिया गया दोस्तों। 26 किलोमीटर तवील गुजर नाला जिसका ये आखिरी मकाम जहाँ पे ऑपरेशन जारी है, नाले से क्लोज इमारत से मुनज़्ज़म किया जा रहा है। नदी के करीब गुजर नाले का आखिरी सिरा जहाँ पे इसका काम जारी है बदरिया मशीनरी, इमारतों को मुनज़्ज़म किया जा रहा है। और यहाँ की सुविधा से मैं आपको अपडेट दे रहा हूँ। लेफ्ट साइड, नाले के राइट साइड दोनों साइडों पे सब ऑपरेशन जारी है। और ये फाइनली अल्लाह अकबर इस इमारत को मुनज़्ज़म कर दिया गया, देख सकते हैं आप धूल मिट्टी का तूफान। फाइनली तौर पर इस इमारत को मुनज़्ज़म कर दिया गया, नाले से क्लोज इमारत। और नाले के दूसरे साइड पे भी मजदूरी मशीनरी काम जारी है। और ये लियारिया एक्सप्रेस वे गुजर नाले का एंड पॉइंट, एंटी इंक्विजिटिव डिपार्टमेंट के लोग, सिक्योरिटी वेल का तमाम लोग मौजूद हैं।
ऑपरेशन जारी है इस मकाम पे। और ये इस मशीन के ऑपरेटर यारू खान, इंतहाई एक्सपीरियंस ऑपरेटर और इंतहाई महारत से हम आपको मुकदम करते हैं यारू खान। और ज़ीरो पॉइंट से मैं इनके काम को भी मुशाहदा कर रहा हूँ, तो इंतहाई महारत और इंतहाई टेक्निकल तरीके से यह इमारतों को मुनज़म करते हैं और काफ़ी एक्सपीरियंस ऑपरेटर रही है यारू। और ये इमारत देख सकते हैं जिसे मलबों के ढेर में तब्दील कर दिया गया, नाले से क्लोज इमारत। तो अभी इस इमारत के मलबे को लेवल किया जाएगा और आगे भी देख सकते हैं, आगे भी खासा भी नाले से क्लोज इमारतें मौजूद है जिसे मुनज़म करने के लिए ऑपरेशन जारी रहेगा। एक से ज़्यादा मशीनरी इस पार्ट पर देख सकते हैं अपना काम जारी रखे हुए, नाले के लेफ्ट साइड, नाले के राइट साइड, 20 किलोमीटर तवील गुजर नाला और उसके एंड पॉइंट पर मैं मौजूद हूँ और यहाँ पे जारी ऑपरेशन के मनाजिर आपको दिखा रहा हूँ। एक से ज़्यादा मशीनरी नाले के राइट साइड, नाले के लेफ्ट साइड अपना काम जारी रखे हुए, हमारे तो नाले से क्लोज इमारतें जिसे मुनज़म किया जा रहा है और मुनज़म शुदा मलबा जिसे लेवल किया जा रहा है, देख सकते हैं आप। गुजर नाला का आखिरी सिरा जहाँ पे इसका ऑपरेशन जारी है और यहाँ की सूरतहाल से मैं आपको आगाह कर रहा हूँ। बेसमेंट इस इमारत में बेसमेंट को मुनज़म किया जा रहा है, देख सकते हैं आप। मैं यहाँ पे मौजूद हूँ, आपको बेसमेंट मुनज़म करते हुए मैं आपको दिखा रहा हूँ। इमारत का निचला हिस्सा बेसमेंट जिसे मुनज़म कर दिया गया फाइनली। और ये बेसमेंट की छत जिसे मुनज़म कर दी गई बदरिया मशीनरी। नाले से क्लोज इंतहाई आरसी की मजबूत इमारतें यहाँ पे मौजूद थी जिसे मुनज़म किया जा रहा है बदरिया मशीनरी। और ये तीन मंजिला इमारत थी जिसका ये बेसमेंट है, अभी बेसमेंट के छत को मुनज़म किया जा रहा है, देख सकते हैं। और ये इमारत की अंदरूनी मंजिल बेसमेंट के नीचे के मनाजिर देख सकते हैं, यहाँ पे पानी वगैरह भरा हुआ है और ये इसकी दीवार वगैरह मुनज़म की जा रही है। तो यहाँ पे मैं मौजूद हूँ और ये बेसमेंट की छत जिसे मुनज़म कर दी गई बदरिया मशीनरी। तो मुझे थोड़ा पीछे हटना होगा। ये बेसमेंट के मनाजिर जहाँ पे इस वक्त नाले का पानी भी आ चुका है और बेसमेंट की छत को मुनज़म किया जा चुका है यहाँ पे। देख सकते हैं सरिया कितना ज़्यादा इस इमारत में लगाया गया था, चाहे मजबूत इमारत तामीर की गई थी नाले से क्लोज आरसीसी की मजबूत इमारत जिसके बेसमेंट को इस वक्त
मुनज़्ज़म किया जा रहा है। बेसमेंट के छत को मुनज़्ज़म किया जा चुका है और नीचे देख सकते पानी भरा हुआ है। तीन अप्रैल 2021 यहाँ पे मैं मौजूद हूँ और आपको यहाँ से जा रही है ऑफिसन के मनाजिर आपको दिखा रहा हूँ। दोपहर का टाइम, खासा गर्मी, और मैं यहाँ की सूरत आपको दिखा रहा हूँ।